दोस्तों, दुबई का मैनमेड आइलैंड अगर पाम जुमेरा है तो कतर का मैनमेड आइलैंड है द पर्ल आइलैंड। तो हम आपको वही ले जा रहे हैं। एक्चुअली ले नहीं जा रहे, हम वहीं पे हैं अभी। तो चलिए हमारे साथ और देखते हैं आगे क्या क्या नज़ारे हैं। मैं हूं निकी और यूडिमोनियाज मेस्टर्स में आप सबका फिर से दिल से स्वागत है। हम पहले नहीं आने का सोच रहे थे पर्ल आइलैंड, लेकिन देखिए इट्स रियली अमेजिंग। वाओ, अभी हम द पर्ल दोहा कतर द वन ऑफ द लग्जोरियस एरियाज और आइलैंड इन कतर में है। एंड एग्जैक्टली पता नहीं, सिर्फ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कहीं और ही दुनिया में आ गए हैं, बिकॉज़ यहाँ के स्ट्रक्चर्स, यहाँ के बिल्डिंग्स वगैरह बहुत लाजवाब है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। दिस इज द मॉल। हाँ बेटा, अरे मॉल आना। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स से लेके बड़े बड़े होटल्स से लेके शॉपिंग सेंटर्स से लेके शॉपिंग मॉल से लेके बहुत कुछ है इस एरिया में। And it is best suitable for a luxurious lifestyle. कतर की कनेक्टिविटी, इंटर कनेक्टिविटी कितनी खास है ये आपको अभी तक पता चली गई होगी। सिंपल है, सिर्फ मेट्रो स्टेशन उतरना है, फ्री की बस है, मेट्रो लिंक बस, आपको चढ़ के आ जाना है। कितना सिंपल है सब कुछ। टैक्सी करो या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करो, कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम बजट में ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ की भी ना हसल बसल स्टार्ट नहीं हुई है। अभी हम पर्ल दोहा कतर के मरीना मतलब यॉट वगैरह पार्क करते हैं ना, वो सेक्शन में है। डिनर क्रूजेज वगैरह या फिर टूरिस्ट को ऐसे राउंड लगवाते होंगे, वहाँ उसका मैंने डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे कितना प्राइस है वगैरह। यहाँ का भी एम्बियंस जो है काफ़ी बढ़िया है, तो इस प्लेस को भी विज़िट करने मत भूलिएगा अगर आप कतर आ रहे हो तो। द पर्ल दोहा कतर, आपको लेक्तफिया करके मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे उतरकर मेट्रो लिंक बस पकड़ के आना है यहाँ पे। तो मेट्रो लिंक बस का नंबर है यहाँ पे, तो मेट्रो लिंक बस का नंबर है M110। तो उसके लिए पहले कारवा बस का जो ऐप है उसे डाउनलोड करके रखना होता है। एंड देन फिर आप मेट्रो से उतरने के बाद वहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं मैंने स्क्रीन पे वैसे फॉलो करके, उसे डाउनलोड करके बस के अंदर एंटर करते वक्त उसे सिर्फ स्कैन करना है एंड एग्जिट करते वक्त टैप आउट करना है। देन अगेन जब आपको बस को बोर्ड करनी है फिर से डाउनलोड करके टैप इन टैप आउट कर देना है। इट्स ईजी, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो बस के या और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि इट्स फ्री। एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन्स देन यू कैन डेफिनेटली आस्क द बस ड्राइवर और एनीबडी एल्स अराउंड। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, कतर के लोग बहुत ही वेलकमिंग हैं, तो टूरिस्ट को वेलकम करने में आई थिंक दे आर वेरी बेटर एंड दे आर बेस्ट, सो इट्स नॉट एन इश्यू। आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो रहा है मेट्रो के पास में या फिर बस के पास में, तो आप हेल्प ले सकते हो। बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स है या फिर ऐसे स्टाफ्स है जो आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, तो इट्स नॉट एन इश्यू। तो रोमिंग अराउंड कतर इज़ नॉट एट ऑल एन इश्यू। एंड यहाँ पे आना मिस मत करिएगा, ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, लेकिन ये जो व्यू है, ये जो नज़ारे हैं, उन्हें एंजॉय अगर करना है, जो लग्जोरियस सिटी लाइफ यहाँ की कैसी है ये देखना है, तो इस एरिया में आना बनता ही है। तो ये है पर्ल आइलैंड कतर का यॉट क्लब, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कितने बढ़िया से बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट्स है। ये सारे जो है मोस्टली रेजिडेंशियल ब्लॉक्स है, और यहाँ पे ढेर सारे रेस्टोरेंट्स है, पॉश रेस्टोरेंट्स है, शॉपिंग सेंटर्स है, बहुत कुछ है जैसे मैंने बोला। तो दुबई में अगर पाम जुमेरा है तो कतर में जो है पर्ल आइलैंड है, वही सारी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगी, यहाँ पे भी मिलेंगी। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू कंपेयर दुबई विथ कतर, यहाँ पे जो है क्राउड जो है कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है। ये एक मेजर डिफरेंस है, क्योंकि दिस इज़ अ डेवलपिंग कंट्री इन टूरिज्म।
अदरवाइज इसके रिचनेस में या फिर इसके इफेक्टिवनेस में कोई कमी नहीं है. इट्स अ वेरी 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 ग्रेट कंट्री, यू नो, टू रोम अराउंड एंड सेफ्टी वाइज एवरीथिंग कतर इज एडिबली. इट्स सुपर्ब. अर्ली मॉर्निंग बोल नहीं सकते, लेकिन मॉर्निंग फ्लाइट है टू अ प्लेस. वो प्लेस मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बता रही हूँ. एंड इसकी वजह से आज ज़्यादा कुछ घूमेंगे नहीं हम, मैक्सिमम बहुत जल्दी घर पे, आई मीन रूम पे पहुँचने की कोशिश करेंगे. एंड अभी इसके बाद देखते हैं, शायद सूख वाकिफ वापस जाएंगे. हमें एक सोवेनियर लेना है छोटा सा कतर की याद में, पॉसिबल है तो वहाँ पे जाएंगे. एंड उसके बाद पॉसिबली लुसेल मरीना प्रमनेड में जाएंगे, बिकॉज़ वहाँ की भी नाइट लाइफ जो है ऑलमोस्ट हमने देखी हुई थी, लेकिन आधी देखी हुई थी. एंड थोड़ा और अलमहा आइलैंड वगैरह विजिट करने का प्लान है आज का, तो लेट्स सी. तब तक के लिए यहाँ के नज़ारे में और थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी, आप भी एंजॉय करो हमारे साथ. यहाँ पे ना कुछ बच्चे सर्फिंग सीख रहे हैं, एक कोच है और वो उनको सिखा रही है सर्फ करने के लिए. पूरा वाइब ही अलग है भाई इस एरिया का, आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए. हम नहीं आते तो ये सब कुछ मिस हो जाता. एंड वैसे भी कतर में आज हमारा लास्ट डे है, तो थोड़ा सा इमोशनल और थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा है, बिकॉज वी रियली लव्ड कतर. ये है वो मेट्रो लिंक बस जिसके बारे में मैंने बोला था, ये M10 बस है, M110 सॉरी. तो ये आपको आराम से ले जाएगी आपको जिस भी डेस्टिनेशन पे जाना है. आपको सिर्फ चेक करना है, ऐप है ना आपके पास, कारवा ऐप होगा आपके पास, तो उसमें स्टेशंस भी समझ में आएंगे कि कहाँ जाना है, कौन से स्टेशन पे उतरना है. अदरवाइज यहाँ पे एक डिस्प्ले रहता है, स्क्रीन रहती है, उस पर भी दिखाई देता है और अनाउंसमेंट भी चालू रहती है. जस्ट व्हेन वी वर क्रॉसिंग द स्ट्रीट, हमने ये लग्जरी कार्स का शोरूम स्पॉट किया और थोड़ा सा आपके लिए नज़ारे दिखाते. आई डोंट नो वेदर इट इज़ क्लियरली विजिबल और नॉट, बट जस्ट चेक आउट. मेरे लिए तो ये सारे ब्रांड्स अननोन है, मेरे हस्बैंड जी को इसके डिटेल्स बहुत अच्छे से पता है. एनीवेज, यू जस्ट वॉच एंड एन्जॉय. आपकी फेवरेट लग्जोरियस कार कौन सी है, कॉमेंट एंड टेल मी. पर्ल आइलैंड के स्ट्रीट्स देखिए, ऐसा लग रहा है किसी वंडरलैंड में आ गए हैं. कितना नीट एंड क्लीन है और कितना पीसफुल है ना सब कुछ यहाँ पे. एंड साथ ही में ये टाइनी टाइनी ट्रीज यहाँ वहाँ, बहुत ही एक परफेक्ट अरेंज्ड सिटी की तरह लग रहा है. तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मुझे सिर्फ इतनी बातें शेयर करनी थी. अगले ब्लॉग में अगले नज़ारों के साथ मैं आपको वेलकम करूंगी. तो अगर आज का हमारा ब्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड, स्नैपचैट. तो सपोर्ट करते रहिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे. मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, हैप्पी रहिए. ओके, तो मैं निकी साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूडिमोनियास मेस्टर्स. बाय बाय.